अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला इसी तरह आप सबको अपने घरों में शाद और आबाद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का जो व्लॉग है वो भी थोड़ा कुकिंग से रिलेटेड है, क्योंकि घर की रूटीन को इतनी ख़ास होती नहीं है। तो मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं हमें साथ में कैमरा रख लेती हूँ और फिर थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग होती रहती है साथ साथ। तो ये भी दो तीन दिन के क्लिप्स हैं जो सारे मिक्स करके आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर राइस पड़े हुए थे और उनको मैं लगा रही थी थोड़ा तड़का। लहसुन मैंने थोड़ा सा सौते किया, उसके अंदर मैंने कैरेट्स और शिमला मिर्च जो है कैरेट को ग्रेट कर लिया था, और शिमला मिर्च जो है बारीक बारीक काट ली थी मैंने। इसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डाली मैंने और इनको फ्राई नहीं करना ना ही गलाना है, बस थोड़ा सा सोते करने के बाद उसके अंदर मैंने राइस डाल दिए हैं। वाइट राइस मैंने बनाए हुए थे तो ये बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज इनको ज़रा मैं तड़का लगा देती हूँ। तो आपके पास चिकन हो, जो मतलब वेजिटेबल्स आप डालना चाहें, मटर हो मतलब आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल थी, साथ में मैंने लेमन डाल दिया है और सोया सॉस डाली है मैंने 1 टेबल स्पून, और लेमन जूस मैंने डाला था 1 टेबल स्पून, सारी चीज़ें 1 टेबल स्पून है। चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर गया था, और सिरका। अच्छा, सिरका का ये है कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इसके फ्लेवर को सॉर कर देता है। अगर आपको पसंद है तो, जिस तरह कोरियन राइस होते हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने उसको फिर आधा ग्लास पानी डाल के तो दम में लगा दिया था चावलों को, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो गल जाएँ। और साथ में अब मेरा इरादा बन गया था दही फुल्कियाँ बनाने का, क्योंकि आजकल हस्बैंड को जल्दी छुट्टी हो जाती है और फिर वो उधर से ही बच्चों को लेने चले जाते हैं, और बच्चों को लेके घर आते हैं तो बच्चों को भी इस टाइम शदीद भूख लगी हुई होती है उनके स्कूल से जब वो आते हैं सेकंड टाइम, और साथ में हस्बैंड को भी, तो फिर इस टाइम कुछ ना कुछ हल्का फुल्का होना ज़रूरी है। तो राइस को भी मैंने लगा दिया था तड़का, और साथ में ना फिर मैं बना रही थी बेसन के दही बड़े। इसमें मैंने डाल दिया है नमक और हल्दी, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तो आप कुटी भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ज़ीरा और खुश्क धनिया साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। तो इसके बाद जी मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। यहाँ पे मेरे पास ना इनफेक्ट बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर नहीं था, तो बेकिंग सोडा तो था, वो मैंने 1 पिंच डाला भी था, लेकिन आपको पता है कि जो बेकिंग सोडा होता है ना वो फ्लेवर ख़राब कर देता है थोड़ा, तो उसे मैंने एहतियातन 1 पिंच ही डाला था। इसकी वजह से मेरे जो बड़े हैं ना दही बड़े, वो मतलब ये बेसन के बड़े जो हैं ये फूले नहीं थे। लेकिन अगर आपके पास बेकिंग पाउडर हो ना तो वो आप इसके अंदर ज़रूर डालें, इससे ये है कि ये अच्छे फूले फूले से बनेंगे और बड़े इनका जो है ना टेक्स्चर वो अच्छा सा होगा, फ्लफी फ्लफी सा, जिसमें खाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ा सा ही, तकरीबन 1 कप से भी कम बेसन लिया था, क्योंकि मेरा इरादा इतना ज़्यादा बनाने का नहीं था। मेरा ये था कि अभी मैं बनाऊंगी, अभी ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें ताकि तमाम लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा थिन, ठीक है। जिस तरह के पकौड़ों का एक टेक्सचर होता है ना, उस तरह का आपका होना चाहिए। तो वो मैं कर लूँगी, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बस यही है कि मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको फ्राई कीजिएगा, और साथ में मैंने आपको इस तरह बताया कि बेकिंग पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके अंदर ज़रूर डालें, सही है कि फूले फूले से बनेंगे। रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी मैंने कहा ज़रा हाथ सीधा कर लें, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। आगे रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, फिर रमज़ान में ये चीज़ें जो हैं आपको पता है कि बहुत मज़े की लगती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा ये पहला रमज़ान होगा हमारा हमारी फैमिली के साथ, क्योंकि जब से शादी हुई है मेरी तो हमने सिर्फ एक ईद और एक रमज़ान जो है ना, एक हाँ बिल्कुल इसी तरह एक रमज़ान और एक ईद जो है ना वो हमने इकट्ठी गुजारी है, बाकी सारी ईदें इसी तरह सेपरेटली हमने गुजारी हैं। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इतने साल बाद इंशाल्लाह हम बच्चे और मैं मेरे हस्बैंड इंशाल्लाह हम इकट्ठा ये रमज़ान गुजारेंगे और ईद गुजारेंगे, अल्लाह ताला खैर का वक्त लेके आए। और इसी तरह ये जो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो नेमतें ये बरकतें हमें मिली हुई हैं ना, ये अल्लाह ताला इसी तरह हमें मज़ीद अता करते रहें। और आज एक और छोटी सी बात ये है कि कभी भी मतलब बस अल्लाह का हर हाल में ना शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इंसानों को खुश करना या उनको मुतमईन करना बहुत मुश्किल है, आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप सिर्फ़ अपने अल्लाह को खुश करें, तो बाकी इज़्ज़त और ज़िल्लत देने की ज़ात अल्लाह की है,
अगर आप की नियत साफ़ है और आपका फ़ेल और अमल जो है वो ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात खुद ही आपको हर मुश्किल से, हर चीज़ से खुद ही निकालती रहेगी। इंसान सिर्फ वसीले होते हैं, बाकी अल्लाह की ज़ात नहीं करना होता, जो भी करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह बड़े, मैं आपके सामने, मैं आपको बताया था कि ये फूले नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत मज़े के बने थे। फूले के नहीं थे लेकिन इनका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का था। फ्राई करने के बाद इनको मैं ठंडे पानी में डाल दूँगी तकरीबन 3-4 मिनट तक के लिए, ताकि ये पानी को सोख कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो हम करेंगे। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं ट्राई करती रहती हूँ, अपनी तरफ से यही कोशिश होती है। ना तो मैं कोई परफेक्ट मतलब शेफ़ हूँ, ना ही कोई इतनी ख़ास कुकिंग मुझे आती है। मैं बस अपनी तरफ से यही कोशिश करती हूँ कि जो मेरी फैमिली को अच्छा लगता है मैं बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ज़ाहिर है इस दुनिया में परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता। फिर बात वही आ जाती है कि हम किसी को मतलब मुतमईन नहीं कर सकते। हमारा असल में आजकल एक नफ्सियात ही बन गई है कि हम ना बस दूसरों पे हमारी नज़र होती है, हम अपने आप को नहीं देखते। अगर हम यही समझते हैं कि बस हम बेस्ट हैं, हम जो कर रहे हैं ना वो सबसे अच्छा है, जबकि इंसान को तकवा और आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ने अगर दिया हुआ है तो वो भी उसी का दिया हुआ है, अगर वो ले रहा है तो वो भी उसका ही है। अगर थोड़ा है, ज़्यादा है, जितना आपके नसीब में है उतना ही आपको मिलेगा। तो इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दूसरों को ज़रूर इस बात का एहसास दिलाएं। तो मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दूसरों को जलाइए मत और दूसरों का देख के खुद जलिए मत। यही ज़िंदगी गुजारने का एक कसूर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ना दही लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी 2 चम्मच चीनी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट के उसको थोड़ा सा पतला किया था। बॉयल पोटैटोज़ थे, उनको पहले मैंने नीचे डाला, ऊपर बड़े रखे हैं, उसके बाद मैंने दही डाल दिया है। और वैसे आप इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये अच्छी तरह से जो दही है ना उसको सोख कर लेंगे ये बड़े, तो फिर और ज़्यादा मज़े के लगेंगे। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, उनके बच्चे आने वाले थे, हस्बैंड भी आने वाले थे, तो मैंने बस जल्दी जल्दी तकरीबन 10 मिनट तक इसको रखा था, उसके बाद इन्होंने खा लिया था और फिर भी बहुत ही यम्मी बने थे। तो अच्छा जी, प्याज मैंने पहले ही काट के नमक वाले पानी में, सिरके वाले पानी में, जिसमें आप रखना चाहें आप रख लें, मैंने भी ऐसे ही नमक वाले पानी में रखे थे, तो फिर इनको धो के अब मैं इस तरह इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चीज़ें आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यही ऐड की थी क्योंकि मेरा इरादा बड़े बनाने का था, चाट नहीं बनानी थी मैंने। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मेरे बच्चे क्योंकि इतने शौक से नहीं खाते निकाल देते हैं, तो मैंने बस आधा टमाटर बारीक बारीक करके डाला था ऊपर ताकि अच्छा लगे। क्योंकि मैं भी, बाज़ लोग ये सोचते भी हों कि इसके पास शायद चीज़ें नहीं होती तो ये इस वजह से नहीं डालती हैं, ये नहीं होता, होता है मेरे पास, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाना होता है तो मैं आपको साथ साथ कह भी देती हूँ कि अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन मेरा मकसद अपनी फैमिली के लिए बनाना होता है। तो मेरी फैमिली ज़ाहिर है जो चीज़ खाती है तो मैं वही इसके ऊपर डालूँगी या वही इसके अंदर रखूँगी। तो मैंने मतलब अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से डालना होता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है या आप डालना चाहते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, तो एज़ यू विश आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बल्कि मेरे साथ भी शेयर कीजिए। मे भी अगर वो अच्छा फ्लेवर देती है या अच्छा होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को नहीं मतलब अच्छी लगती, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं लगती, तो हम वही, मैं वही पकाती हूँ या वही पकाना पसंद करती हूँ जो मेरी फैमिली खुशी खुशी खा ले। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली की खुशी, बजाय इसके कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कैमरे के सामने लाने के लिए तो मैं हर चीज़ ला के रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अवेलेबल भी होती है, हर चीज़ मौजूद भी होती है, और जो नहीं होती वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ कि मेरे पास क्योंकि नहीं है इस टाइम, तो इस वजह से मैं उसको यूज़ नहीं कर रही। इस तरह बेकिंग सोडा मेरे पास पाउडर नहीं था, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास हो तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए, मेरे पास नहीं था। देखें जी, यम्मी दही बड़े रेडी हो गए, और उसके बाद ये चावल थे, उनको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की थी असेंबल करने की। ये देखें, मैंने इनको इस तरह प्लेट में रखा है, और मेरा जो केचप है ना वो बड़ा बुरा निकलता है, इसको ना निकलने की कोई तमीज़ नहीं है, ये इसी तरह निकल आता है भाई एकदम से, तो इसकी वजह से मेरी जो सारी डेकोरेशन है ना वो ख़राब हो गई है। बहरहाल तो ये भी रेडी हो गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप था, हम गए हुए थे सग्रादा फैमिलिया जो यहाँ पे स्पेन में रहते हैं, उनको पता होगा, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे विज़िट कर रहे थे। तो मौसम काफ़ी ख़राब था, ठंड बहुत ज़्यादा थी, बादल बने हुए थे, तो पूरा हफ्ता वैसे हैरत की बात है, धूप रहती है और जैसे ही वीकेंड आता है ना तो बस मौसम इस तरह का हो जाता है जब हमें बाहर निकलना होता है। लास्ट टाइम वीकेंड पे बारिश थी, हम बिल्कुल नहीं निकले, तो इस वीकेंड पे हम फिर आए गए बाहर। तो ये मतलब एक बिल्डिंग है यहाँ पे, यहाँ की स्पेशलिटी यही है कि ये बिल्डिंग, तो ये हम देखने आए हुए थे बच्चों के साथ।
अच्छा रहा विज़िट। बच्चे जो हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, साथ में छोटा सा पार्क था बैठने के लिए। ज़्यादातर ये मतलब टूरिस्ट प्लेस थी, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए थे यहाँ पे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, मूवीज़ बन रही थी, काफ़ी अच्छी जगह थी, पुरसकून और मज़ा आया देख के। तो ज़ाहिर है ऐसे ही जब आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं तो आपको चीज़ों का पता चलता है। मुझे भी अभी कोई ख़ास पता नहीं है, मैं ही मतलब शौकियाँ मारूँ कि अगर मुझे इतने टाइम हो गए यहाँ पे तो मुझे हर चीज़ का पता है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं पता। इंसान जो है ना वो पैदा होने से ले कर मरते दम तक ना सीखता ही रहता है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे हर चीज़ का पता होता है या मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। तो मैं भी एक आई हूँ और हर दफ़ा एक नई चीज़ सीखने को मिलती है, एक नई जगह देखने को मिलती है, तो बस इसी तरह अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे साथ में छोटा सा पार्क बना हुआ था तो बच्चों ने अपने झूले वगैरह लिए, इंजॉय किया, थोड़ा सा खेले कूदे। ज़्यादा बच्चों का भी पूरा हफ्ता जो है वो स्कूल में गुजर जाता है, तो फिर ये जो एक वीकेंड ही होता है तो अपने बाबा के साथ में इंजॉय करते हैं। और हाइका की कमज़ोरी है पेंटिंग, और वो इतने गौर से खड़े होकर देख रही थी ना, ये जो आदमी पेंटिंग बना रहे थे यहाँ पे, और हाइका को पेंटिंग करने का बेहद शौक़ है। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसकी जो पेंटिंग है, उसकी बुक है उसने बनाई हुई, और बहुत ज़बरदस्त स्केचिंग वो करती है अपनी एज के लिहाज से माशाल्लाह। तो किसी दिन मैं शेयर करूँगी, वो मुझे कहती रहती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंशाल्लाह कभी मैं शेयर करूँगी। तो वो बस यहाँ पे खड़ी हो गई थी और मुझे ये कह रही थी कि ये वाली ट्यूब जो है ना पेंटिंग वाली मुझे लेके दें, तो इंशाल्लाह उसके पापा कह रहे थे कि मैं लेके दूंगा। तो फिर वो ये भी पेंट करेगी। इसके साथ फिर एक और छोटा सा पार्क था, वहाँ पे आ गए हम। और यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा मज़े का सीन था। यहाँ पे एक लेडी जो है वो कबूतरों को दाना डाल रही थी, और इतना सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए थे, बच्चे जो थे, इतने ज़्यादा कबूतर यहाँ पे आए हुए थे। तो बच्चों को जो मज़ा आ रहा था, तकरीबन 10-15 मिनट हम यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि ये जो है ना सबसे मज़े का सीन ना मुझे ये लगता है, ये मेरा दिल करता है कि बस यहाँ पे ना इस तरह खड़े होकर कोई पिक्चर बनी हुई हो। लेकिन जब हम उड़ाने की कोशिश करते हैं तो कबूतर उड़ते ही नहीं है। खैर से चलो जी, कबूतरों की अपनी मर्ज़ी है, अभी हमारे कहने से थोड़ी उड़ना है उन्होंने। तो ये देखें जी, यहाँ पे सब लोग लेके आ रहे थे अपने बच्चों को बारी बारी दिखाने के लिए। उसके बाद हम जा रहे थे दूसरे स्टॉप पे, आगे हम मेट्रो, यहाँ से हम मेट्रो चेंज करेंगे और फिर थोड़ा सा खाना पीना होगा और इंशाल्लाह जी उसके बाद होगी घर वापसी। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं, हमें सीखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को खुश रखने के लिए, मुतमिन रखने के लिए। दूसरों को खुश करना ज़रूरी नहीं है, अपने साथ अपनी फैमिली को अपने दिलों को खुश रखिए, अपने अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश कीजिए। लोग कभी खुश नहीं होते और ना ही उन्होंने होना है। अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर, अपने घर पर फोकस कीजिए। तो बस ये हमने थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम गए थे, हमने चिकन लेना था, आज मेरा इरादा था बिरयानी बनाने का, तो फिर बस चिकन लिया और हमने घर आ गए। तो बस इसी तरह दिन गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें तो अपने टॉपिक भी शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी नए मज़े की वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।